हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एन जे फ्रेम जयपुर में, आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, तो संक्रांत आ चुकी है, आप लोग कैसे हैं। आप सब, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। और लॉकडाउन भी लग रखा है, उसके अंदर आप बाहर नहीं निकल रहे होंगे, आपकी दवाई सब बढ़िया होंगे, आप स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। सबसे पहले बात करता हूँ जो ये वीडियो है किस टॉपिक पर है। ये है बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक पर है। आज जो वीडियो होने वाली है बिल्कुल इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ एक नॉलेज से भरी हुई चीज़ और इंटरेस्टिंग चीज़, जो बिल्कुल दोनों चीज़ें हैं, नॉलेज भी है इंटरेस्टिंग भी है। आपको इसमें बिल्कुल डीप में नॉलेज भी मिलेगा और साथ ही देश विदेश की जो चीज़ है वो भी पता चलेगी इस वीडियो के अंदर, और साथ ही आपको इंप्रेशन भी बढ़ेगा। इसका इंप्रेशन ये बढ़ेगा कि आपको जो ये वीडियो है उसके अंदर जो आपको दिखाया जाएगा वो बिल्कुल यूनिक है, इतनी शानदार डिज़ाइन के अंदर दिखाया जाएगा आपको। और लेकिन आपको गेस करना पड़ेगा वो चीज़ क्या है। वो चीज़ आप गेस नहीं कर सकते क्योंकि वो चीज़ आज कुछ अलग होने वाली, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होने वाली है। मैं भी गेस नहीं कर सकता गाइस क्या है, लेकिन मुझे पता है क्योंकि मैं बताने जा रहा हूँ, इस वजह से मुझे पता है। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि पेंटिंग है उसके बारे में मेरे को भी कुछ नॉलेज नहीं है। मैं भी आपको बताते बताते खुद ही सीखूंगा गाइस, क्योंकि मेरे को खुद को नहीं पता कि पेंटिंग क्या है, किस चीज़ के बारे में, उस पेंटिंग के अंदर है क्या। और मैं भी ये सीखूंगा पेंटिंग के अंदर की पेंटिंग क्या है और कैसी है, कैसे बनी। लेकिन गाइस, मैंने आपको गाइस जो वीडियो होने वाली बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, तो आपको देरी ना कराते हुए, आप पर कोई भार ना डालते हुए, आपको तंग ना करते हुए, मैं इस वीडियो को यहाँ तक कर कर उस वीडियो की ओर चलते हुए आपको परेशान ना कर कर जो दिखाने वाला हूँ बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया पेंटिंग मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो देरी ना करते हुए चलते हैं पेंटिंग की ओर गाइस। तो गाइस, आप सामने देख रहे हैं, आपको बिल्कुल शानदार पेंटिंग दिख रही है। ये जो पेंटिंग है, जो पेंटिंग है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की पेंटिंग है, जो कि अमेरिका महाद्वीप के न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। ये जो पेंटिंग है वो पूरी कॉपर की बनी हुई है, जो तांबा है उसकी कॉपर की बनी हुई है। और गाइस, ये जो पेंटिंग है उसकी जो आधारशिला है वो 305 फीट की है। जो आधारशिला है और जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो कुल मिलाकर 305 फीट की है पूरी, और जो लिबर्टी है वो 151 फीट की है, जो कि फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस ने अमेरिका को गिफ्ट की थी। और देखिए गाइस, जो पेंटिंग है उसके अंदर जो लिबर्टी है उसने हाथों के अंदर एक बुक और जो एक मशाल ले रखी है, और जो जो पेंटिंग के अंदर जो लिबर्टी है उसका जो ताज है वहाँ तक पहुँचने के लिए 394 घुमावदार सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद इसके ताज तक पहुँचा जाता है। साथ ही गाइस, आप जो सामने कितनी शानदार पेंटिंग लग रही है, मेरे को भी बहुत गाइस। जो ये स्टैचू है वो अमेरिका और फ्रांस की संबंधों का प्रतीक है। तो गाइस, आप जो देख रहे हैं आपके सामने ये जो पेंटिंग है, इसके अंदर लिबर्टी ने एक किताब ले रखी है, उस किताब के अंदर देखिए आप, उसमें लिखा हुआ है जुलाई। गाइस, पेंटिंग के अंदर आपको एक स्टैचू है जिसके हाथ में एक बुक है, उस बुक के अंदर आप गौर से देखिए आपको क्या दिख रहा है। देखिए, इसके अंदर ये लिखा हुआ है 4 जुलाई 1776। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि ये जो है इसका मतलब ये है कि जो अमेरिका है उसकी आज़ादी का प्रतीक है ये। तो गाइस, आपको दूसरे हाथ में पेंटिंग, दूसरे हाथ में आपको एक मशाल दिख रही होगी। देखिए मशाल, देखिए मशाल दिख रही होगी। ये जो मशाल है अमेरिका में आने वाले आप प्रवासी जहाज के द्वारा उनका ये स्वागत करती है। तो गाइस, मैंने आपको पेंटिंग के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन बताई, मैंने आपको बताया कि इस पेंटिंग के अंदर क्या खास है और पेंटिंग की क्या डिज़ाइन है, और इसके अंदर ये पेंटिंग कहाँ की है, कैसे बनी हुई है और कब आज़ाद हुई, मैंने आपको सब कुछ। Thank you.
गाइस, आपको नॉलेजेबल पेंटिंग की वीडियो कैसी लगी? आपको क्या दिखा इस पेंटिंग के अंदर, सबसे अच्छा क्या लगा इस पेंटिंग के अंदर? सबसे पहले आप मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और साथ ही इस पेंटिंग को आगे से आगे शेयर कीजिए, जो दूसरों को भी नॉलेज मिल सके इस पेंटिंग के बारे में, जो अभी तक नहीं देखे हैं उनको भी पता चल सके कि पेंटिंग किस पर है और ये पेंटिंग कहाँ की है, और साथ ही पता चल सके कि जो पेंटिंग है कई लोग देखते होंगे कि जैसे मशाल है हाथ में और साथ ही बुक ले रखी है, तो किस कारण है इसका? भी तो कोई कारण होगा। मैंने आपको पूरे डिटेल में बताया जिसका क्या कारण है, ये मशाल क्या है और किस चीज़ का प्रतीक है, और साथ ही ये जो आधारशिला है और जो पेंटिंग के अंदर जो लिबर्टी है उसकी कितनी फिट की है, ये मैंने आपको पूरे डिटेल के अंदर बताया। और ये आपका है कि आप इस पर कितनी लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही इसको आगे से आगे फैलाएं, जो दूसरे भी सीख सके, साथ में आपके छोटे बड़े भाई बहन, उनको भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल है उनके लिए। साथ ही इसके अंदर बहुत नॉलेज है, जनरल नॉलेज इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। गाइज, मैंने आपके लिए इसलिए बनाया क्योंकि आपको अच्छा नॉलेज मिल सके, क्योंकि मुझे कई लोगों ने बोला कि ऐसी नॉलेजेबल बनाओ कि ना जो दूसरों को सीख सके और खुद भी थोड़ा बहुत सीख सके, और साथ ही मैं खुद भी सीख रहा हूँ और आप दूसरों को भी सिखाओ। गाइज, अब जो वीडियो है उससे धन्यवाद लेते हैं, दूसरी वीडियो में मिलते हैं अब। और जो वीडियो आएगी, आगे आने वाली जो वीडियो, वो भी नॉलेजेबल चीज़ों पर आती रहेगी और अलग अलग पेंटिंगों के ऊपर आती रहेगी। साथ ही आप उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरा उत्साह बढ़ाते रहे ताकि मैं और वीडियो लाता रहूं अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए, क्योंकि आपका जो सपोर्ट रहेगा उससे मैं और भी वीडियो आगे लाता रहूँगा, इंक्रीज होगा मेरा मन, क्योंकि मेरा मन है जो बिल्कुल आपके लिए हुआ है, आपके लिए नई नई चीज़ें लाने के लिए। तो साथ ही अब मैं वीडियो से धन्यवाद देना चाहता हूँ बिल्कुल। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।